शुरू। सो हेलो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल तरुण कृष्णा। तो भी अभी मैं हुई नोएडा के अंदर। नोएडा में क्या है, स्काई जंप पर ट्रम्पलिन पार्क है, तो यहीं पर ही आज हम घूमने वाले हैं, देखने वाले हैं यहाँ के टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, लोकेशन क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हम देखने वाले हैं, लेने वाले हैं। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग के अंदर, तो बने रहना बिना किसी स्किप के। और यहाँ मेरे पीछे आप देख रही है स्पेक्ट्रम मॉल, काफ़ी बढ़िया मॉल है और यहाँ पे कंस्ट्रक्शन काम चालू भी है, अभी और बढ़िया इस मॉल को करा जा रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं फिर चलेंगे अंदर। तो भाई सबसे पहले यहाँ की लोकेशन की बात करें तो भाई ये नोएडा 75 है और यहीं पर है स्पेक्ट्रम मॉल, इसी के अंदर यहाँ पे स्काई जंपर ट्रम्पलिन पार्क है। और पार्किंग की बात करें तो मॉल की पार्किंग में ही आप अपने व्हीकल को पार्क कर सकते हो। और इसका जो सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है वो है नोएडा सेक्टर 50। तो भाई बाकी इन्फॉर्मेशन अंदर चल के देखते हैं कि यहाँ के टिकट क्या है, टाइमिंग क्या है, कब ओपन रहता है, कब क्लोज रहता है, अंदर चल के देखते हैं। अब ये क्या है भाई, यहीं पर ही है, तो अंदर एंटर होते दिखाई देगा। ये देखो यहाँ पर ये रहा स्काई जंपर यहाँ का, अच्छा बेसमेंट में ये बनाया हुआ है, देखो यहीं पर ही बच्चे उछल कूद कर रहे हैं पूरा। फुल एंजॉय होने वाला है जसमीत भाई साथ में, तो भाई हम भी इंजॉय करेंगे। उससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या एक्टिविटी आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हो। तो ऊपर से मैं आपको पूरा व्यू दिखा रहा हूँ, ज़्यादा बड़े ये है नहीं स्काई जंपर। अगर आप रोहिणी वेस्ट वाला एडवेंचर आइलैंड वाला मेरा ब्लॉग देखो स्काई जंपर ट्रम्पलिन पार्क का, तो वो वाला सबसे बढ़िया था, काफ़ी बेस्ट है, उसके अंदर राइड भी ऐड करी गई है, बहुत बढ़िया वो वाला, उसको वो ब्लॉग जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बाकी देखो यहाँ पर आपको भी ये बीम मिल जाएगी, इसके ऊपर बैलेंस बनाना होता है जैसे बच्चे बैठे हुए हैं यहाँ पर। बाकी पूरा ये जंपिंग का है, वहाँ पर देखो वॉलीबॉल वाला एक पोर्सन है, वो वॉलीबॉल खेल सकते हो आप। बाकी यहाँ पर इसके ऊपर जंपिंग करते हो, ये देख के पता ही लग रहा है जैसे वो आएगा ना तो इसके ऊपर जंप करना होता है हमें। तो यही है इसके अंदर, ज़्यादा कुछ है नहीं, यहाँ पे बास्केटबॉल भी उन्होंने लगाई हुई है, देखो ये वाला ये रहा, तो ये पूरा पोर्शन है। तो चलते हैं अब यहाँ पे इंजॉय करते हैं। देखो यहाँ पर एक और चीज़ इन्होंने लिखी हुई है, हिस्ट्री ऑफ ट्रम्पलिन, यहाँ पर देखो इन्होंने थोड़ा सा हिस्ट्री लिखी हुई है। पहली लाइन यहाँ की पढ़ते हैं, द फर्स्ट ट्रम्पलिन वॉज बुल्ट बाय जॉर्ज मिशन इन 1936 एज ट्रेनिंग टूल फॉर एस्ट्रोनॉट्स, मतलब एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग के लिए इसकी शुरुआत करी गई थी और आज देखो एंजॉय का एक सोर्स बन गया ये। तो भाई यहाँ आप अंदर देख रहे हो, यहाँ पे स्काई जंपर है, तो यहाँ से एंट्री है और इसी के सामने आपको यहाँ पे एक कैफ़े मिल जाएगा जहाँ से आप थोड़ा बहुत कुछ खा पी सकते हो, स्वीट कॉर्न वगैरह और ड्रिंक वगैरह आपको मिल जाएगा। तो अंदर चलते हैं और टिकट पता करते हैं। भाई टिकट प्राइस की अगर बात करें तो सामने आप यहाँ पे देख सकते हो टिकट प्राइस लिखा हुआ है 30 मिनट के यहाँ पर होने वाले दो प्राइस हैं, यहाँ पर एक वीकेंड्स का है और एक वीकडेज़ का है। तो भाई 30 मिनट्स के 350 रुपये होने वाले वीकडेज़ में और वीकेंड में 400, और 60 मिनट एक घंटे के होने वाले 500 रुपये और वीकेंड में होने वाले 600 रुपये, और 90 मिनट के 650 रुपये और वीकेंड में 750 रुपये होने वाले हैं। और उसके अलावा देखो जो ग्रिप सॉक्स होती है जैसे ये आप देख रहे हो यहाँ पे, इनको पहन के में जाना होता है अंदर, जैसे भाई ने पहनी हुई है, तो ये यहाँ पर फ्री है। बाकी अदर आप अगर स्काई जंपर में जाओगे तो उसके 80 रुपीज़ होते हैं, यहाँ पे फ्री है ये। और अगर आपके पास भाई कोई सामान है तो आप लॉकर में सबमिट कर सकते हो, इसके 25 रुपीज़ हैं लॉकर के। बाकी अपने शूज़ यहाँ पे रिमूव करके आप जा सकते हो। ट्रम्पलिन पार्क हफ्ते के 7 दिन सुबह 11:30 से रात 9 बजे तक खुलता है। यहाँ पर आप सामने देख रहे हो, इसको आप स्कैन करोगे तो आपके पास मतलब एक पेज ओपन होगा, उसको भी आपको फिल करना होगा अंदर जाने से पहले। ये देखो एक पेज ओपन हो गया ना, तो यहाँ पूरा फिल करना है अंदर जाने से पहले। तो भाई फाइनली अब हम आ चुके हैं यहाँ पर स्काई जंपर में, तो ये कुछ यहाँ का इसका लुक है। तो भाई इवनिंग हो चुकी है, 5:30 बज रहे हैं और यहाँ पर क्राउड हो गया काफ़ी। देखो वहाँ पर काफ़ी लोग इन्जॉय कर रहे हैं, ज़्यादातर बच्चे हैं, बड़े भी हैं पर बच्चे ज़्यादा हैं। बाकी ये पूरा एरिया ये देखो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं लोग, वो देखो बच्ची वहाँ ऊपर ही चढ़ गई, तो अब हम भी करते हैं इन्जॉय। ये है यहाँ पर सबसे पहले जंपिंग जपैक, तो इसके ऊपर जंप करना होता है, तो देखते हैं भाई हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये देखो जसमीत जी यहाँ पे शुरू भी हो गया जंपिंग करना, बाकी क्या करें सबसे पहले ये समझ में नहीं आ रहा है, तो जंपिंग करते हैं सबसे पहले छोटी सी। तो ये देखो गोपाल जंपिंग करेगा भाई यहाँ पर, अब हाँ डाउन झुकना होता है, डाउन डाउन ये होगी जंपिंग, होगी दोबारा 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 करो 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 करो, इसको कोई नहीं कर पाएगा, ये काफ़ी ऊँचा हो जाता है, करो 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 जंप 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 जंप। तो भैया मैं भी चलता हूँ यहाँ पर, इसके ऊपर देखते हैं कितना हम जंप कर पाते हैं, बड़े वाले पे तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, छोटे वाले पे ट्राई करते हैं। तो भाई ये आ गया यहाँ पे पिलर, ये देखो इस वाले में नीचे झुकना होता है, क्योंकि भाई बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसे जंप करना, इस पर इस पर तो हो जाता है आराम से, बच्चे भी कर लेंगे इसको, ज़्यादा छोटे नहीं कर पाएंगे बस। तो इसको मैं भी करता हूँ जंपिंग यहाँ पर, अरे बच गए। तो भाई ये आ रहा है, इसमें तो झुकेंगे नीचे, झुके थे 1 2 3 ओ गया 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 गया, ये आगे इस पे से करेंगे जंपिंग। और मेरी यार सर में दर्द हो रहा है, जा भाई तू वापस जा, फिर सही हो, उल्टा हो गया, आएगा आएगा आएगा, हो जा हो जा हो जा, हो गया हो गया हो गया हो गया,
ये वाला आ गया, झुकते हैं। 1 2 3 भाई ये सामने देख रहे हो ना, इसमें भी काफी मजा आता है। ऊपर से एकदम से फिसलते हुए आते हैं, जैसे बच्ची आ रही, देखो ये ऐसे। ये आप सामने देख रहे हो, बीम है, इसके ऊपर बैलेंस बना के जाना होता है। अगर मान लो आपसे बैलेंस नहीं भी बनता तो कोई दिक्कत नहीं, आप गिर जाओगे नीचे, तो ये फॉर्म्स हैं। नहीं 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 नहीं, ऐसे मत करो। ये देखो फॉर्म्स हैं यहाँ पर, इसके ऊपर आप गिरोगे जैसे लोग गिर रहे हैं तो लगेगी नहीं। बाकी सामने वहाँ पे क्लाइंबिंग है, क्लाइंबिंग करोगे तो भी गिर भी जाते, कोई दिक्कत नहीं है, इंजॉय से क्लाइंबिंग कर सकते हो आप। देखो ये लोगों को सामने देख रहे हो ना, ये कर रहे हैं ना क्लाइंबिंग, बच्ची एक छोटी सी, बाकी वो पीछे हैं। देखते हैं कैसे क्लाइंबिंग कर पाते हैं, बैलेंस बना पाते हैं। बड़ा आसान है वैसे तो बनाना, भाग के करनी चाहिए, भाग के अपन भी ट्राई करेंगे। अभी लग तो रहा है कि गिरी 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 मरा 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 भाई साहब, मतलब मुश्किल है इसके ऊपर बैलेंस। गई 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 गई, इनको देखते हैं बना पाती कि नहीं। ये क्या हो गया, डर लग रहा, देखो ये देखो डर लग गया भाई, डर डर लग गया। तो भाई ये जा रही है, अब इनके बाद मैं चलूँगा, देखते हैं ये बैलेंस बना पाती है कि नहीं। वैसे पहले वाली लड़की तो डर के चली गई थी वापस, ये देखते जा रही है कि जा पाती है कि नहीं। अरे ये जाओ, ये भी डर। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। वो यहाँ पर देखो सामने बच्ची के नया स्टंट निकाल दिया अपने, बंदर की तरह जा रही है बच्ची। यहाँ पर चलते हैं बीम बैलेंस पे, देखते कितना बैलेंस बनेगा। ऐसे बनाना पड़ेगा बैलेंस। चलो ना अब, चलो अब, चलो ऐसे हो जाएगा। चलो भाई चलो 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 चलो, ये देखो क्या कर रहा है। तो भाई काफी मजा आ गया बीम बैलेंस के अंदर। बैलेंस बनाना काफी मुश्किल हो जा रहा था, मुझे लग रहा था ये आसान होगा, बट आसान नहीं था, मतलब बंदर की तरह चल के जाना पड़ा। तो बढ़िया तरह की इंजॉयमेंट काफी हुआ, चाहे बैलेंस बनाओ या ना बनाओ। बाकी जसमीत पाजी को देखो कैसे इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। अरे बस करो भाई, बंदर ही बन जाओ क्या आज। ये सामने वाला आप पोर्शन देख रहे हो ना, ये प्रोफेशनल जंपिंग के लिए है, मतलब जो एक्सपर्ट है ना वो यहाँ पे अच्छे से जंपिंग कर सकते हैं। जैसे वॉल देख रहे हो ना, तो वॉल के ऊपर भी क्लाइंब करना होता है, तो ये काफी टफ हो जाता है। तो एक बार देखते हैं कर पाए अगर। चलना दीवार के ऊपर, चलना जसमीत भाई, हाँ दीवार पे चलो, तो काफी मुश्किल हो जाता है, एक्सपर्ट चाहिए इसके लिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं, वो चल के जाकर होता है, भाई करके दिखाएंगे, भाई को बोलते हैं। चल लोगे भाई इस पे दीवार पे, भाई चल लोगे आप इस पे? अच्छा भाई चल लेंगे, हाँ हाँ करके देखो, उस वाले पे करना, बड़े वाले पे, बड़े वाले पे करके दिखाएंगे भाई। ये देखो ओहो हो भाई साहब क्या जंपिंग है, ओ भाई साहब, ओहो हो, ओ भाई एक्सपर्ट है। देखो ये प्रोफेशनल एरिया था, मतलब एक्सपर्ट जो है वही कर सकते हैं यहाँ पर, वरना लग जाएगी। ये देख रहे ओहो हो भाई साहब, क्या बात है क्या बात है। मिथुन तो याद आ गए मेरे को, डांस इंडिया डांस वाले, क्या बात क्या बात क्या बात। और कुछ करने वाले लग रहा भाई, ओहो वो ये क्या कर दिया, ओ भाई, ओ भाई साहब क्या, मतलब हमारे तो हाथ पैर टूट जाएंगे ऐसा ट्राई करा तो। और भी कुछ करने वाले हैं अभी लग रहा है, ओ भाई क्या बात है। कहाँ ऊपर, अब क्या भाई ऊपर मॉल क्रॉस कर जाओगे क्या पूरा। ये लोग क्या क्या जंप, कितनी ऊंची ऊंची जंपिंग है, ये देखो काम पहुँच के, वो देखो इसके फर्स्ट फ्लोर तक। अरे कूदो कूदो ऊपर से, कूदो ऊपर से कूदो, ये लो, ओ भाई साहब कितनी ऊंची ऊंची जंपिंग। बंदर हो भाई, बंदर हो पूरी तरह। क्या एक्सपर्ट हो यार, ले हो गिर के कैसे, कोई डर ही नहीं है, क्या बात है। देखो प्रैक्टिस मेक परफेक्ट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा और है क्या भी, ऊपर चले जाओ भाई, छत तक चले जाना, ओहो भाई बस मैं सोचा छत क्रॉस कर जाओगे ऊपर तक। मैं भी इस वाले पोर्शन में जाके ट्राई करता हूँ, देखते हैं इसके अंदर मैं कितना बढ़िया से कर पाता हूँ। वैसे तो आता कुछ भी नहीं है, फिर भी ट्राई करने में क्या जा रहा है। तो तरुण की बारी आ गई है और ये हाई जंप ट्रैम्पोलिन पे आ गया है, कितना ऊपर जंप कर सकते हो एक बार पहले करके दिखाओ। ऊपर चल जाओ, ऊपर थोड़ा पीछे, थोड़ा पीछे, बस इतना ही, आराम से बस।
हवा निकल गई। तो भाई काफी ज्यादा मुश्किल है, अगर आपको ये करना है ना तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट होना जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। एकदम से इसको ट्राई करोगे ना लग जाएगी आपके। पहले इस वाले में जाना है, छोटे वाले में, सच में हार्ट बीट तेज होगी। तो अब ये क्या करेंगे कि एक बंदा जंप करेगा और एक बंदा बैठा रहेगा, ये देखना। चलो 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 चलो, जंप करो जंप करो जंप करो, थोड़ा बीच में बीच में बीच में आओ, बीच में। चलो चलो चलो, थोड़ा पीछे हो पीछे, हाँ करो करो करो। उस पे मत पैर रख देना। चलो 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 चलो, तेज तेज तेज, ये देखो ये देखो, लंबी 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 लंबी, ये देखिए देखे ये देखे ये देखे ये देखे, पास आओ पास। ये क्या कर रहे हो? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर करो करो जंप, मेरे ऊपर मत गिरना। ये अच्छा कर रहे हैं, देखो ये कैसे। बहुत ऊपर हो गया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये क्या, इसको मजा आ रहा है तुमको। अब बजेगा, ए अब बजा, अब बजेगा, अब बजेगा, अब बजेगा, बजेगा। ये भी बैठे बैठे जम कर रहा, ओ बजे 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 बजे। क्या बात है भाई, काफी मजा आ गया इसके अंदर जंपिंग करने में। बैलेंस बनाना काफी मुश्किल था, बट जो भी है मजा आया भाई, बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा मजा आया। बैलेंस बनाना काफी मुश्किल था, जो कि गोपाल ने और मैंने करके दिखाया सही से। नेक्स्ट अब ये करेंगे, यहाँ पे बास्केटबॉल है, यहाँ पे क्या है, नीचे जंपिंग करते हुए ट्रम्पलिन में जंपिंग करते हुए यहाँ पे जिसके में ज्यादा बॉल चली जाएंगी, मतलब मान लो मैंने ज्यादा बॉल उस साइड थ्रो कर दी तो मैं विनर हूँ, तो ये होता है। बाकी दोनों साइड सेम बॉल्स हैं, यहाँ पे फोर हैं, यहाँ पर भी फोर है, तो करते हैं इसको भी ट्राई करते हैं। तो भाई यहाँ पे ये गर्ल्स देख रहे हो ना, ये कर रहे हैं यहाँ पे इसको इन्जॉय जंपिंग करते हुए, तो इनके बाद हम करेंगे। ये देखो इनको, देखते हैं कितना ये स्कोर कर पाते हैं, एक दूसरे को कौन हरा पाता है। एक यहाँ पर ये है और एक ये है, अरे इनकी तो जंपिंग ही नहीं पहुँच रही ऊपर तक। तेज कूदो तेज, ये देखो इनका हाथ ही नहीं जा रहा ऊपर तक, तेज कूदना पड़ेगा इनको, है ना, ये कूद नहीं पा रहे सही। मारो मारो, ये गई ये गई, जबकि हाइट थोड़ी ना अच्छी हो ना उनको, थोड़ा मुश्किल होता है। मैंने आसमान से तारे तोड़ रहे हो, हैं? आसमान से तारे तोड़ रहे हो, बताओ। आसमान से तारे तोड़ रहे हो। मैं ये गिर गया, जल्दी जल्दी उसकी तरफ मारो, वो गिर गया। ओ ये जीत गया, सारे के सारे उसकी तरफ हो गए हैं। गोपाल यू आर द विनर, राजा जी अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल कर रहे हो, लेकिन लौंडा यहाँ नहीं रुकता। अभी नेक्स्ट ये है, यहाँ पर बास्केटबॉल आप देख रहे हो, तो इसके अंदर करेंगे एंजॉय। इसका नाम स्लैम डंक है वैसे, तो इसमें जंपिंग करते हुए बॉल को वहाँ पे हमें थ्रो करना है, तो देखते कितनी बॉल पास आउट हो पाती है। अरे ये नहीं थ्रो करना, बॉल करनी है यार, बॉल करनी है, इसको नहीं मारना है, बॉल को मारना है। अच्छा ये भी मार सकते हैं वैसे तो, बॉल अगर ना हो तो। अरे अरे ये क्या कर रहे हो, मारो मारो मारो, वो गोपाल भाई बॉल मार रहे हैं, नहीं इस पे मत अटको यार, टूट जाएगा। मारो मारो बॉल मारो, मार दिया। ये क्या, दोनों एक साथ। जो भी है भाई, फुल एंजॉय वाली चीज़ें हैं, जो कुछ भी है, जो कितना एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे लोग, कितना क्राउड हो रहा है। और ये क्या कर रहे हो, ये बॉल मार रही थी कि एक दूसरे को मारना था, ये अलग ही गेम चालू कर दिया इन्होंने, बताओ। ओ बच कर भाई, मेरे को नहीं मारना। अरे अरे कैमरा मैन पे हावे हो गए दोनों, जैसे बिल्लियों की फाइट होती है ना, जो छुड़ाने जाते उसी पर हावी हो जाती हैं बिल्लियाँ। मारो मारो मेरे को मारो, दोनों देखते रहो। अरे मार दिया सच में ही। तो भाई स्काई जंपर में काफी मजा तो आता है, बट एनर्जी बहुत ज्यादा जाती है, पसीने आ जाते हैं बहुत ज्यादा, थक गए हैं बहुत ज्यादा। तो सब कुछ हमने दिखा दिया, बस थोड़ा सा एक हम रेस करने वाले हैं। देख रहे हो ना यहाँ पे पूरा ट्रम्पलिन लगा हुआ है, तो वहाँ पर दो बंदे जाएंगे और जंपिंग करते हुए वापस आएंगे। रुक जाओ रुक जाओ, रुको जरा सबर करो। गाइस अभी जसमीत और तरुण ये दोनों रेस लगाने वाले हैं, अब देखते हैं कौन जीतता है, देखना है कौन जीतता है। 1 2 3 चलो भागो। मुझे पता है जसमीत ही जीतेगा, वो तरुण तो रहेगा भाई, वो पहले ही निकल गया था आगे। तरुण वर्सेस गोपाल, और
गोपाल ने शुरुआत अच्छी कर दी, वो बच्चे पे बच गया। आजा 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 आजा। गोपाल की तो अलग ही रफ्तार है, ये मस्ती से कंगारू की तरह खेलता कूदता आता तरुण। एक बार फिर से हो जाए, चलो चलो 3 2 1 शुरू। ओ गिरा 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 गिरा, ओ गिर गया। Once more, once more, once more. गजब बेइज्जती है। सो गाइस यही था इस व्लॉग के अंदर, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दिया। अब भी आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हो कुछ भी अगर आपको पूछना हो। क्या डाउट है? कोई डाउट नहीं है। तो यही था इस व्लॉग के अंदर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। चैनल पे पहली बार आता है सब्सक्राइब कर लेना अभी तक नहीं कराया तो, क्योंकि ऐसे अमेजिंग कंटेंट हम बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, वंदे मातरम।